हे गाइज, वो सब जब भी आप अपने फ़ोन को सेल कर रहे हो या फिर बेच रहे हो अमेजन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे एक्सचेंज कर रहे होंगे, तो उस वक्त तो आप ये ज़रूर करते हैं कि अपने फ़ोन में जितने भी फ़ोटो फाइल्स होता है या फिर वीडियो वगैरह होता है उन सारे चीज़ को आप डिलीट कर देते हैं, सारे डेटा को आप डिलीट करते हैं। यहाँ तक कि आप अपने सेटिंग में जाते हैं, फैक्ट्री डेटा को रीसेट कर देते हैं यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आकर, और यहाँ पे जो बैकअप एंड रिस्टोर होता है या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इरेज ऑल डेटा, वो तो ज़रूर करते होंगे और इतना तो आपको पता है। तो आप क्या ये जानते हैं कि इस डेटा को फिर से रिकवर किया जा सकता है एक प्रोफेशनल डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से? वेल, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन से किस तरीके से डेटा को कम्प्लीटली इरेज कर सकते हैं और कोई भी या फिर कोई भी बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर, रिकवरी सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके डेटा को कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा। गाइज, ऐसा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आज हर किसी के फ़ोन में गूगल पे हो गया या फिर नेट बैंकिंग हो गया, ये सारी सुविधाएँ एक्टिव होता है, और अगर आपके डेटा फिर से कोई रिकवर कर लेता है वहाँ पर आप बड़े ही दिक्कत में फंस जाएंगे। तो जब भी आप अपने फ़ोन को कभी सेल करें किसी व्यक्ति के हाथ या फिर आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे ही एक्सचेंज कर रहे हो, तो उससे पहले इस प्रोसीजर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, वन क्लिक में आप अपने फ़ोन के सभी डेटा को हमेशा के लिए इरेज कर सकते हैं। तो हे गाइस, आई एम ललन और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और उसी के साथ अगर आप ऐसे ही टेक वीडियोज़ को देखना चाहते हैं हर रोज़ तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पे कर सकते हैं। जैसे मैं अपलोड करूंगा एक नया वीडियो तो आपको एक नोटिफिकेशन ड्रॉप हो जाएगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाएंगे। अब देखिए, ऐसा करने के लिए आपके पास एटलीस्ट एक लैपटॉप होना चाहिए जिसमें कि आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, आपको डिटेल से समझाता हूँ कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन के डेटा को कम्प्लीटली इरेज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है टूल बॉक्स आई स्काई सॉफ्ट। इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल में जब आप इसे टाइप करेंगे तो बेसिकली ये एक टूल बॉक्स है जिसमें आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जब आप इस साइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फ्री डाउनलोड। फ्री डाउनलोड विंडोज़ सेक्शन को आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको विंडोज़ का लोगो मिल जाएगा, तो ये विंडोज़ के लिए है, तो यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद ये एक एक्सटेंशन सेटअप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटअप फाइल डाउनलोड हो गया है। बस अपने डाउनलोड फोल्डर में जाइए और डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए। अभी ये एक्सटेंशन सेटअप फाइल है। उसके बाद यहाँ से डॉक्टर फोन को आपको इसका यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो विद इन ए वन या टू मिनट के अंदर ये फाइल डॉक्टर फोन का जो रिकवरी सॉफ्टवेयर है और इरेजिंग सॉफ्टवेयर है ये आपके पीसी में लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसा है। नॉर्मल ये सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, 100 MB के आसपास का ही है, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं करता कि कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है। जब ये हो जाएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट नाउ भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने यहाँ पे जितने भी विंडो वगैरह है सारे विंडोज़ को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, और उसके बाद कुछ इस तरीके से वंडर शेयर डॉक्टर फोन का जो ये सॉफ्टवेयर है ये यहाँ पर आ जाएगा, और वो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जिस भी डिवाइस का, जिस भी फ़ोन का आप यहाँ पर डेटा को इरेज करना चाहते हैं कम्प्लीटली, उसमें आपको USB केबल को कनेक्ट कर देना है और इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो इस सॉफ्टवेयर का जो सबसे पहला जो आपको डैशबोर्ड दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पे आपको डाटा रिकवरी का ऑप्शन मिल जाता है, WhatsApp ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाता है, और ये सॉफ्टवेयर मैक और विंडोज़ दोनों के लिए अवेलेबल है, और आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन दोनों में ये वर्क करता है। तो हमें यहाँ पे अपना डेटा को इरेज करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाटा इरेज पे आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपका परमानेंटली डेटा इरेज हो जाएगा, कोई भी सॉफ्टवेयर उसे रिकवर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लीज़ कनेक्ट योर डिवाइस टू PC, तो अपने USB केबल लीजिए और अपने लैपटॉप और अपने PC के साथ इसे कनेक्ट कर लीजिए अपने फ़ोन को, और यहाँ पर आपको USB डबिंग को एनेबल करना होगा। तो USB डबिंग को एनेबल करने के लिए अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए, उसके बाद अबाउट फ़ोन में जाइए, बिल्ड नंबर वहाँ पे 7 बार बिल्ड नंबर पे टैप करिए, 6 से 7 बार, उसके बाद डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन आपको आई थिंक यहाँ पे मिल जाएगा, हर फोन में अलग अलग होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रेडमी रियलमी में यहाँ पे जो आपको एडिशनल सेटिंग मिलता है उसके अंदर डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो जाता है। डिवाइस में वहाँ पे जो बिल नंबर पे आप क्लिक करेंगे तब वहाँ पे ऐड होता है, तो वहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे USB डबिंग को अनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं आपका डिवाइस कनेक्ट हो गया।
यहाँ पे एक बटन मिल जाता है। मतलब इस सॉफ्टवेयर का जो है ना बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से डिज़ाइन किया गया, जिससे कोई भी रिकवर कर सकता है या फिर इरेज कर सकता है। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना इरेज पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है। अगर आप सच में इरेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे 6 बार 0 को टाइप करना है, उसके बाद इरेज नाउ जैसे करेंगे आपके फ़ोन का सारा डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ऐसा आप तभी करिएगा जब आप अपने फ़ोन को बेच रहे हो किसी के हाथ में, या फिर अमेजन पे आप वो कर रहे हो एक्सचेंज, सॉरी गाइज। तो वहाँ उससे पहले आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, तो इस तरीके से आपका डेटा कोई भी रिकवर नहीं कर पाएगा। होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी जेन्युइन टेक वीडियो हर रोज लाते रहता हूँ। और अगर यहाँ पे आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करके आपके सवालों का जवाब दूंगा। सो थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।